बहुत बार हम क्या होता है, हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सामने वाले को पता तो है, सामने वाला समझ लेगा ना। ये बड़ा अजीब सा फंडा है, सामने वाला नहीं समझता तो आप समझाओ ना उसको, उसको बताओ ना कि आप उससे कितना प्यार करते हो, उसको बताओ ना कि हम मरते दम तक साथ रहने वाले हैं, उसको हक करो ना डेली। एडजस्टमेंट क्यों करनी है? वाई एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट का मतलब है ये जो टॉप थ्री है यहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। नेवर एडजस्ट। कुछ चीजें हैं जहां पे एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जिनको बदला जा सकता है, तो एडजस्टमेंट है कहां? इट विल टेक टाइम, एक दिन में नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पौधे को बड़ा करना, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा टाइम पे, पूरा ध्यान रखना होगा, आंधी तूफान से बचाना होगा। इसी केयर को प्यार कहते हैं। हर वो काम करना होता है जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो। सिंपल है। आपको क्या अच्छा लगता है? कोई आपकी तारीफ करे, आपकी कमियां निकाले? अच्छा लगता है? नहीं लगता है। कोई आपकी कमियां आपको बताता है? आपको पता है खुद में आपने कितनी कमियां हैं? खुद ही अपने आपको बताते रहते हो, ऊपर से कोई सामने से बता दे तो गुस्सा नहीं आता है? बट यही नहीं होता है रिलेशनशिप्स में। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम सामने वाले को उसकी कमियां बताते रहते हैं? क्योंकि हम उसकी कमियां देखते रहते हैं। क्यों उसकी कमियां देखते रहते हैं? क्योंकि कभी हमने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं कि इस रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम प्रायोरिटाइज कर ले तो, एंड वंस यू आर क्लियर कि अब ये जो तीन चीजें हैं ये इस पर्सन के अंदर है, अब मरते दम तक चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अलग नहीं होने वाले। नॉट पॉसिबल। अब क्या मुश्किल है? इसको देखना कि मैं क्या चाहता हूं अपने लिए और वैसे ही मैं सामने वाले से एक्ट करूं, मतलब उसकी तारीफ करूं, नॉट फ्लैटरी, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। सामने वाले को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। याद रखो, अपने ऊपर रख करके देखो कि कोई कुछ अच्छा बोल देता है कितने दिन तक याद रहता है, रहता है नहीं रहता है? कई कई बार पूरी पूरी जिंदगी याद रह जाता है।